हेलो गाइस, सिंह टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन प्रमाण में डिवाइस एंड ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने जीवन प्रमाण .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों, जब यहाँ पर आ जाएंगे मेन स्क्रीन पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन। अगर आप विंडो की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे एंटर ईमेल पर अपनी ईमेल एंटर करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल पे एक लिंक चला जाएगा। उस लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। हम यहाँ पर एक OTP जाएगा, उस ईमेल पे एक OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद उस ईमेल पे डाउनलोड का लिंक चला जाएगा। जैसे कि हम जाते हैं अपनी ईमेल पे, यहाँ पे देखिए जीवन प्रमाण का, जहाँ पे पहले हमने OTP फिल कर लिया, जहाँ पे OTP फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक डाउनलोड का लिंक ईमेल पे जाएगा। आप किस पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडो की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या मोबाइल पे ऐप का लिंक लेना चाहते हैं, उस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि हम फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो जहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए एक लिंक ईमेल पे जाएगा। हम चेक करते हैं हमें कोई लिंक आया है। ये देखिए दोस्तों, हमें डाउनलोड का लिंक आ गया है ईमेल पे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, जीवन प्रमाण की एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल का प्रोसीजर दोस्तों सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करी जाना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन इसको रन करना है। दोस्तों, रन करने से पहले आपको अपनी बायोमेट्रिक इंसर्ट कर लेनी है। बायोमेट्रिक मशीन जब आप इंसर्ट कर लेंगे, तभी आपकी मशीन का जो नेम है, जैसे कि हमारी बायोमेट्रिक मशीन मंत्रा MFS100, वो डिवाइस नेम जहाँ पर शो होने लगेगा और जहाँ पे डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ईमेल एंटर करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे ऑपरेटर की रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑपरेटर का आधार नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ईमेल एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जनरेट OTP पे क्लिक किया तो हमारे मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पे और ईमेल पे एक OTP गया है। उस OTP को जहाँ पे फिल करना है और ओके पे क्लिक कर देना। जहाँ पे OTP फिल करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर नेम एंटर करना है, जो आपके आधार कार्ड पे नेम है ऑपरेटर का, जो नेम है उसको जहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक कर देना है। तो बायोमेट्रिक स्कैन पे क्लिक करेंगे तो मशीन पे लाइट ऑन हो जाएगी, उस पे अपनी फिंगर लगानी है। फिंगर लगाने के बाद जब सक्सेस आ जाएगा तो
इस तरह का मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल, ऑपरेटर की जो रजिस्ट्रेशन है और आइडेंटिफिकेशन, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, और ओके पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करना है, फिर आ जाएगा पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। अब दोस्तों ऑपरेटर की और डिवाइस की रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे करना है। अब बात आई पेंशनर आइडेंटिफिकेशन, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन के लिए जहाँ पे पेंशनर का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल ऑप्शनल है, इसकी लोड नहीं। अगर है तो डाल दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसकी जो वीडियो है पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करते हैं और रजिस्टर कैसे करते हैं जल्दी बनाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।